इंडिया टेनिस एसोसिएशन के तत्वाधान में छत्तीसगढ़ प्रदेश टेनिस संघ द्वारा गोंडवाना कप टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन 28 फरवरी से 4 मार्च तक यूनियन क्लब एवं छत्तीसगढ़ क्लब में किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट का उद्घाटन रविवार को यूनियन क्लब में महामहिम राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके द्वारा किया गया। विशेष अतिथि के रूप में कुलदीप जुनेजा विधायक एवं चेयरमैन हाउसिंग बोर्ड व ब्रजमोहन अग्रवाल विधायक एवं पूर्व मंत्री मौजूद थे। गोंडवाना कप के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होने पर प्रसन्नता जताते हुए राज्यपाल उइके ने सभी खिलाड़ियों को बधाइयां दी एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि खेल भावना से खेलें और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करें। खेल जीवन में अनुशासन सिखाता है और नेतृत्व क्षमता का विकास भी करता है। खेल से राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना भी बढ़ती है। राज्यपाल उइके ने कहा कि गोंडवाना कप का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि इसकी शुरुआत लगभग 85 वर्ष पहले हुई थी। यूनियन क्लब रायपुर ही गोंडवाना कप का सर्वप्रथम आयोजक रहा। तब से लेकर अब तक गोंडवाना कप ने न जाने कितने खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान किया है। देश व छत्तीसगढ़ की माटी के खिलाड़ियों में क्षमता की कमी नहीं होने की बातें उन्होंने कही। साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश टेनिस संघ ने एक और उल्लेखनीय कार्य करते हुए पिछले साल से गोंडवाना कप ITF वुमेन्स टेनिस स्पर्धा की शुरुआत की है। इस दौरान शामिल छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने बताया कि राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चाहते हैं कि प्रदेश में खेल प्रतिस्पर्धाओं की निरंतरता बरकरार रहना चाहिए। उन्होंने खेलों को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की रुचि को प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों के विकास का आधार स्तंभ बताया। साथ ही राज्यपाल उइके के शामिल होने पर आभार भी जताया। अब सम्मानी गुरुचरण सिंह जी होरा जी, अब इनके बारे में सभी वक्ताओं ने तो इतनी तारीफ की और वास्तव में इनके अंदर खेल और खिलाड़ी को आगे बढ़ाने का जो जुनून है और यही वजह है कि आज यहाँ के खिलाड़ी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के यहाँ खिलाड़ी आते हैं। और अगर शायद ये ओलंपिक संघ को इतना मजबूत और इस तरह से वो मतलब रुचि नहीं दिखाते तो शायद यहाँ पर इस तरह के कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होते। ऐसे सम्मानित श्री गुरुचरण सिंह जी, संपादक हरिभूमि समाचार, डॉक्टर हिमांशु और अभी मंचस्थ राज्यपाल महोदया, जिनको खेलों से बहुत ही अथाह प्रेम है, साथ ही साथ टेनिस से इनका बहुत ज्यादा लगाव है। पिछले वर्ष इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट भिलाई जाकर कोविड में भी इन्होंने उद्घाटन किया था। मैं चाहूंगा सब ताली बजाकर मैडम का अभिनंदन करें, स्वागत करें। इस पूरे टूर्नामेंट में महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब और बहुत सारे राज्यों से खिलाड़ी आए हुए हैं और कल से विधिवत ये टूर्नामेंट प्रारंभ हो जाएगा। आज उद्घाटन के बाद मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए इतना ही कहूँगा कि मैं मैडम का बहुत ही आभार मानता हूँ, बहुत स्नेह प्राप्त है मुझे उनका और मेरे छोटे से आग्रह पे उन्होंने यहाँ आना स्वीकार किया। एक बार चाहूँगा तालियों से फिर से उनका अभिनंदन करें। धन्यवाद, जय हिंद। बहरहाल इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज़।